सिखा दे तो इस बार नहीं, आप बिल्कुल जाइए। अब तुम्हारे पढ़ाने की जिम्मा भी हमारे ऊपर है, बस तुम जाओ लल्ला का एडमिशन कराओ। अच्छा हुआ मैंने भगा दे रट्टू सिंह को, जब देखो अपने बेटे को आगे करके अपनी बात मनवाना चाहता है। अब मैं इस अधेड़ उम्र के इंसान को पढ़ाऊंगी, लेकिन बुरा मुझे छोटे से बच्चे का लगता है, पर मैं कर भी कह सकती हूँ। अच्छा हुआ चला गया, नहीं तो अच्छे से सबक सिखाता उसको। और सुन लो, आज के बाद ये बंदा रट्टू सिंह कभी यहाँ दिख गया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पापा आप भी ना, जैसे कि मैंने उसे कहा कि आ जा मेरे घर, आ जा आ जा। ये आजकल के बच्चे भी ना हल्की सी बाप की डांट नहीं सुन सकते हैं। खैर छोड़ो, हद उस रट्टू सिंह की उसकी हिम्मत कैसे होगी मेरे घर तक आने की, थोड़ा सा सिखा के घर तक चला गया। पापा मेरे कोमल बेटा, मुझे बेटा तुम्हारे अलावा मेरा है कौन ये बताओ। मैं नहीं चाहता ना कि कोई इस टाइप का आदमी आके बाहर खा रहे, मुझे तुम्हारी चिंता है। बीइंग अ सिंगल पेरेंट मुझे बड़ी तकलीफ होती है, और मैंने तुम्हें कैसे पाला वो मैं ही जानता हूँ। पापा ये बात मैं जानती हूँ, इसीलिए तो मैंने उसे भगा दिया। तो वो तो तुमने सही किया, लेकिन बेटा मैंने फ्लू फ्लू में डाल दिया। देखो बुरा नहीं मानते है ना, पापा हो ना। अरे यहाँ तूने अभी तक, जल्दी तैयार हो बेटा, चलना है ना मैडम के पास। हाँ ये हुई ना बात। ए जी हमारा लल्ला तैयार हो गया क्या? तैयार, पूरा हीरो बना दिया। अरे हमारे लल्ला को किसी की नजर ना लगे, माता रानी का आशीर्वाद बना रहे और भगवान आपका एडमिशन करा दे। लो लल्ला दही चीनी खाओ, शुभ काम से पहले दही चीनी खाते हैं। अब मम्मी के पैर तो छू। खुश रहो बेटा, एडमिशन करा के ही आना। चले, जो मैं पूछे वही वही बताना। अच्छा हाँ ठीक है जी, आपकी गलती मत करना। अरे ठीक है भैया, आप जाने दो, ठीक है। हाँ। चलो बाय, शाम को मिलते हैं। हाँ। हे माता रानी, हमारे लल्ला का एडमिशन करा देना और इनके पापा कोई भी गड़बड़ी ना करे। सबसे ज्यादा डर तो हमें इनके पापा से लगता है, अब भगवान आप ही मालिक है। आज एक काम करेंगे, ये अंकल ना आ जाए तो अंदर ही घुस जाते हैं सीधे, हैं? चलो कहीं ऐसा ना हो कि मैडम के पापा फिर से आ जाए और हम लोग अंदर ही ना घुसने दें। पिछली बार क्या कम बेइज्जती हो गई थी जब फिर से चले आए तुम? सर आप समझिए मेरी बात, देखिए जो गलती मेरे साथ हुई है, जो कमी मेरे अंदर है, वो मैं नहीं चाहता इसके अंदर भी हो। ये जो रटने की आदत है ना सर, वो मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे के अंदर भी आ जाए, इसलिए मैं यहाँ आया। ये जो बात तुम कह रहे हो ना, ये बिल्कुल सही कह रहे हो और मैं तुम्हारी बात से सहमत भी हूँ। मुझे भी पता है कि बच्चे रटते हैं, और आज की डेट में किसी भी बच्चे को देख लो, वो रियल वर्ल्ड को और पढ़ाई को एक साथ जोड़ ही नहीं पाता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा हुआ तुम इस जगह आ गए। पापा किससे बात कर रहे हैं? अरे बेटा रट्टू सिंह तो फिर चले आया, तुम्हें मैंने मना किया था। पापा मैंने इस बार नहीं बोला, आपने मुझे कहा था मैंने से नहीं बोला, तुम फिर चले आए। तुम्हें मैंने मना किया है कि तुम्हें नहीं पढ़ा पाऊंगी, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी, मैं तुम जैसे अधेड़ उम्र को क्यों पढ़ाऊंगी? अरे मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात तो सुन ले। अरे पापा मैं कह रही हूं, मैंने नहीं बोला पापा, मैंने नहीं बोला, तुम जाओ। रट्टू सिंह एक मिनट रुक जाओ। हाँ सर हम वेट कर रहे हैं। क्या मैं भी बात करके बताता हूँ मैडम को, रुक जाए एक मिनट तो जाना नहीं कहीं, ठीक है? अभी मैं आ रहा हूँ। वेट करते हैं आन, है ना? लगता है कुछ बात हो रही है अंदर, है ना? अरे पापा पापा मैंने उसे नहीं बुलाया, पापा मैं क्यों बुलाऊंगी? बेटा मेरी बात तो सुन लो, तुमको गलतफहमी हो गई है, वो वहाँ पे अपने बेटे के एडमिशन के लिए आया है, अपने लिए नहीं आया है। ओके, फालतू गुस्सा कर दिया उस पर, तो तभी तो मैं बोल रहा था उस समय, आपको बार बार बोल रहा था कि बेटा रुक जाओ, बस सुनी नहीं रही थी। इतने तो बेटे को पढ़ाना चाहता है। हाँ तो पापा एक काम करना, आप ना अहम को भेज दो। हाँ ये सही रहेगा, उसको भारी रखना, मैं उसे कैसे फेस करूँगी। चलो ठीक है कोई नहीं, मैं अहम को लेकर आता हूँ, उसको मैं बोल देता हूँ अंदर आ जाओ, वहाँ पे वेट करो, ठीक है? हाँ ये ठीक है। रट्टू सिंह मैडम ने अंदर बुला लिया है। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। आहान तुम अंदर जाओ और रट्टू सिंह तुम यहीं खड़े रहना, ठीक है? बाहर आ जाओ। जा जा आहान, जाओ जाओ, मैं यहाँ खड़ा जाऊँ? अच्छा ठीक। आहान देख, तेरे को आज एडमिशन लेना ही है, ठीक है? तो एक काम करना, मैडम जो पूछे सिर्फ उसका जवाब देना, बेवजह की बातें मत करना, कहीं ऐसा ना हो मैडम फिर नाराज हो जाए, ठीक है?
एक अच्छे बच्चे की तरह करेगा ना। पता नहीं मैडम इससे क्या पूछेंगे और ये क्या होगा। मैम मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ हाँ आ जाओ, कम हियर, बैठ जाओ। हाउ आर यू? आई एम फाइन। किस क्लास में पढ़ते हो आप? एलकेजी। ओके, मतलब कि आप यूकेजी में जाने वाले हो, तो आपको तो बहुत कुछ आता होगा। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ। मैथ फेवरेट है, ओके। तो क्या आपको 20 की स्पेलिंग आती है? हाँ आती है। सुनाना। TWENTY। वेरी गुड, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो। अच्छा आपको गाना गाना आता है क्या? आता है। तो कितने अच्छे है, तो कितने भोले है, प्यारी प्यारी है। ओ वेरी गुड, किसने सिखाया आपको? मम्मी ने। मम्मी ने सिखाया, ओके ओके। हाँ तो हम आपका एडमिशन ले लेते हैं क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो। वेरी गुड, तो ये फॉर्म है मैं आपको दे रही हूँ और आपको मम्मी पापा से भरवा के लाना है, ठीक है? लेकिन मैम मेरे घर में तो सब लोग काला अच्छा भैंस बराबर है। इस मासूम से बच्चे ने कितनी बड़ी बात इतनी मासूमी से कह दी। और ये आज के जमाने की कड़वी सच्चाई भी है जिसको हम झुटला नहीं सकते। हम पढ़े लिखे हैं, डिग्री हाथ में है, लेकिन जब एक फॉर्म भरने की बारी आती है तो हम फेल हो जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं बैंक गई थी जहाँ पर रुपए डिपॉजिट करने के लिए एक स्लिप भरनी पड़ती है। तो दो तीन लोग मेरे पास हैं जिन्होंने मुझसे अपनी स्लिप भरवाई। मुद्दा ये नहीं है कि मुझे स्लिप भरनी पड़ी, मुद्दा ये है कि हम पढ़े लिखे हैं और अपने ही पैसे को अपने ही अकाउंट में डालने के लिए मुझे किसी थर्ड पर्सन की हेल्प लेनी पड़ रही है। अच्छा ये तो प्रॉब्लम है, इसका सलूशन क्या है? इसका सोल्यूशन हमें और आपके एक छोटे से स्टेप लेने से होगा, वो ये कि अपनी बुक को रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करना शुरू करिए। हमें सुना है कि पढ़ाई आसपास है, लेकिन कैसे है, कैसे हमने बुक को रियल वर्ल्ड से कनेक्ट कर सकते हैं, इसी ऑब्जेक्टिव को हम क्लियर कर रहे हैं अपने चैनल अहार लर्निंग इंस्टीट्यूट पर। हमारी सीरीज रट्टू सिंह, जिसमें रट्टू सिंह ने बचपन में पढ़ाई को रटा था जिसकी वजह से वो वास्तविक जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। इसका मोटिव यही है कि हम आपकी रटंत विद्या को, जो आप रटते हो, इसको हम कम करें और रियल लर्निंग से आपको इंटरेक्ट करा पाएं। अगर आप लोगों को हमारा आज का वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अभी जाइएगा नहीं क्योंकि वीडियो अभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। फिलहाल आहान के फॉर्म में आपका भर दूंगी, पर अभी टाइम है आहान को उसको क्लासरूम दिखाते हैं। बस भगवान करे इसका एडमिशन हो जाए। आहान, ये आपका क्लासरूम है, कल से आप यहीं पे पढ़ाई करोगे। अच्छी लगी आपको क्लासरूम? हाँ। और मैम यहाँ बैठ के आपको पढ़ाएंगी, ठीक है? वाह, कितने अच्छे बना रहे। अच्छे लगे आपको? तो हम ड्राइंग भी करेंगे, बहुत सारी एक्टिविटीज करेंगे यहाँ पर हम। मैम यहाँ पे ढोलक भी बजा सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, आपको ढोलक पसंद है तो हम ये भी सीखेंगे, ठीक है? मैम ये देखो कितने अच्छे ब्लॉक से कलरफुल। हाँ कलरफुल से ब्लॉक है, इससे बहुत सारी चीजें बनाएंगे। मैम ये जेंगा ब्लॉक्स मैंने टीवी में देखे, बहुत अच्छे अच्छे है ना, तो आपको यहाँ पे जेंगा ब्लॉक्स में मिलेंगे। आहान आपको क्लासरूम कैसी लगी? अच्छी लगी। तो यहाँ पर हम एक्टिविटीज तो करेंगे लेकिन हम पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है? मैम थोड़ी सी पढ़ाई भी करनी जरूरत है। हाँ पढ़ाई तो करनी चाहिए, ठीक है? मैम को किसी तो अब कल से आप आना, ठीक है? वेरी गुड बेबी। तो अब ये गुड न्यूज पापा को देते हैं कि आहान का एडमिशन हो गया। वेरी गुड, चलो। अभी कितना टाइम लग रहा है? आ जाओ आहान। अरे आ गए। रट्टू सिंह आपके बेटे का एडमिशन हो गया है। हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र। मेरा क्रॉस पहनो। बहुत बढ़िया। जाओ बेटा एंड कल रट्टू सिंह। हाँ मैम। कल रट्टू सिंह आपको अपने बेटे को 4 बजे लेकर आना है। हाँ मैम पक्का, पक्का। और फॉर्म मैंने ले लिया है पर साइन आपको ही करना है। मैम साइन करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। करवा दोगे साइन? मैम वो वाइफ से करवा लूंगा। अच्छा अच्छा वाइफ से करवा दोगे। और एक बात और रट्टू सिंह, मैंने उस टाइम पूरी बात नहीं सुनी और गुस्सा कर दिया, उसके लिए सॉरी। हाँ मैम कोई बात नहीं, मैम इतने बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट छोटी छोटी बातें होती रहती है, क्यों मैम। चलो ठीक है बेटा, बाय बाय, कल 4 बजे, ठीक है? ठीक है। लल्ला मैडम कैसी लगी? क्लास देखी लल्ला ने हमारे? बताता क्यों नहीं मम्मी को, बताना। साइकिल थी, जेंगा ब्लॉक्स थे, डमरू थी। अरे माँ साइकिल से कलर
कलर थे, कलरफुल ब्लॉक्स थे। इतनी अच्छी क्लास है मैडम की। हाँ। हमारा लल्ला वही पढ़ेगा। बधाई हो जी, बधाई हो। देखो मैंने तो पहले ही कहा था कि मैडम से बढ़िया टीचर कोई नहीं है, समझी? पर एक बात समझ में नहीं आई। हाँ पूछो। कराना मेरा एडमिशन था, हो इसका गया। अरे यही तो हमारी चाल थी। अब हमारा लल्ला कल से कोचिंग जाएगा, वहाँ सीख कर आएगा, अपने पापा को पढ़ाएगा। हाँ ये सही है लल्ला, अच्छे सीख के आना, ठीक है? धन्य हो देवी, धन्य हो। धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा तो एक काम करो ना, कुछ अच्छा बना दो ना, आज अच्छा दिन है। खिचड़ी बनेगी और हमको करना है आराम, हम गए हैं बहुत थक, ठीक है? खिचड़ी खाओ और सो जाओ। खिचड़ी नहीं,